जिंदगी भर जूठा घी चाटने वाले लोग सुबह सुबह फ्री का ब्लैक टी पियेंगे। दिखाना शक्ल, दिखाना भाई। वाह, लव यू व्यूअर्स, रवि व्यूअर्स। प्लीज लाइक करो, शेयर करो। लाइक मत कर देना, शेयर मत कर। जिस ट्रेंड पे चल रहे हो 10-12 लाइक वैसे करते रहना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हो गए हैं, सो के उठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर टेरिस पे। तो एक बार टेरिस से आपको एक बार सीन दिखाते हैं कि कैसा है। और बहुत ही मज़ा आया वैसे, नींद तो बहुत अच्छी आई। और ये है, ये लोकेशन बहुत ही मस्त है। एक बार आपको माउंटेन व्यू दिखाते हैं पहुंच के ऊपर। हो गया गरम कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पे गीजर का कुछ अलग सिस्टम है, वो बाहर जाके स्विच ऑन करेगा तब हमारे कमरे में पानी आएगा, क्योंकि कमरे में लगा नहीं रखा है इन्होंने गीजर। एक बार ऊपर पहुँच के आपको चलो दिखाते हैं। तो फाइनली हम एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर पहाड़ों का। ये देखो व्यू, क्या सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। फाइनली हम नहा के रेडी हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे। और प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से रूम तो छोड़ देंगे और एक बार थोड़ा मार्केट वाके घूमेंगे, वहीं पे ही ब्रेकफास्ट करेंगे, देन आफ्टर हम जो मोहन चिट्टे जो जगह है वहाँ जाएंगे। तो एक बार यहाँ से निकलते हैं। और वैसे एक बार टूर तो मैंने हम दिखाते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार पूरा होटल का व्यू दिखाता हूँ। रात को दिखाया था बट दिन में एक बार कैसा लग रहा है एक बार आपको बताता हूँ। ये होटल है सामने जो हम रूम मिला था, और पिछली बार हम आए थे तो ये इस वाले होटल में आए थे, मतलब रूम में आए थे, ये वाला रूम मिला था हमें। और उसके बाद ये सारा नीचे है, और जो दूसरा हमें रूम मिला था, मिला हुआ है अभी, वो नीचे वाला है, ये सामने पे एक बार नीचे है। बट अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ वॉशरूम में वो चीज़ें ख़राब थी, इसलिए हम ले नहीं, तो हमने एक अपग्रेड मिल गया और हमें ये ऊपर वाला रूम मिल गया। बिकॉज़ ये अवेलेबल नहीं था, अचानक अवेलेबल होगा तो उन्होंने दे दिया, बिकॉज सारा भरा हुआ है इसमें। और इस सामने पहाड़ों का जो व्यू आता है ना, बहुत ब्यूटीफुल आता है यहाँ से। तो यहाँ से आपको ना और आप देख रहे हो पुनीत जी भी रेडी हो गए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पुनीत जी अभी क्या सीन ये है कि यहाँ से निकलते हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ से निकलते हैं और गाड़ी में सामान रखेंगे और मोहन चिट्टी के लिए निकलेंगे। तो अभी गाड़ी में कुछ सामान रखेंगे और क्या करेंगे कि कुछ मार्केट घूमेंगे या कुछ आसपास घूमेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और मार्केट घूमेंगे थोड़ा सा, देन आफ्टर ऑल विल गो फॉर दूसरा डेस्टिनेशन मोहन चिट्टी। लेट्स कैच यू देयर गाइस। फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी चेकआउट करके बाहर जाके दिखाते हैं आपको। ये इनका कैफे है, रेस्टोरेंट। सो अब यहाँ से जाएंगे गाड़ी के पास। हाँ तो गाड़ी को मैं भी चल रहा हूँ, सारे चल रहे हैं, और क्यों रुक रहा है, कोई लेट नहीं। हाँ देख लो पानी आया नहीं तुम्हारा, सुबह से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उसके चक्कर में तुम्हारे दो चादर हम ले जा रहे हैं बस, और ज़्यादा नहीं। हाँ दो चादर ले जा रहे हैं, दो चादर वरना ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है लोकेशन, तो इसका बहुत ही अल्टीमेट था। और व्यू और सारी चीज़ें ना बहुत ही मस्त है। गाड़ी खड़ी है और यहीं पर अब सामान रखते हैं और फिर आगे निकलते हैं, मार्केट एक्सप्लोर और कुछ इधर उधर घूम के दिखाते हैं आपको। हाँ ऐसे घूमने से कोई फायदा नहीं होता जब तक यहाँ के बारे में कुछ समझे ना आप, तभी आपको पता चलेगा यहाँ पर ये जगह। ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है। हाँ ये बद्रीनाथ केदारनाथ स्मृति मंदिर है। ओके 6 महीने बद्रीनाथ जी का पट बंद रहता है। ओके बद्रीनाथ 19 तारीख को बंद होगा, गंगोत्री यमुनोत्री केदार, लेकिन बद्रीनाथ अभी खुला और सबसे लास्ट में बंद होता है। 19 तारीख को बंद होगा बद्रीनाथ।
तो जब चारों धाम बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी का, आधे दर्शन का महत्व यहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी जयेन्द्र सरस्वती जी महाराज जी ने 1986 में इस मंदिर का स्थापना किया था कि यहाँ पर जो लोग दर्शन करेंगे तो आदि दर्शन का महत्व यहाँ पर मिलेगा। जो चार धाम किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे, बंद होते हैं, कोई जा नहीं पाता है, बंद है, तो तब यहाँ पे दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ स्मृति मंदिर पहला दर्शन है। और ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्यों? क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था और मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्मों से राक्षस था। हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण को मारना, दो को मारना, गुरु को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, दोष होता है। लक्ष्मण जी कहीं पर आपको सिंगल नहीं मिलते, यहाँ पे लक्ष्मण जी का एक ही मूर्ति है। जैसे ब्रह्मा जी का पुष्कर है, पुष्कर में, तो लक्ष्मण जी का एक ही है, पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है। अच्छा, तो वो मंदिर नीचे है, वहाँ जाएंगे। ऋषिकेश में भरत जी का मंदिर है। भरत जी का मंदिर क्यों है? क्योंकि जब बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं, अक्षय तिथि आती है, तो वहाँ पर परिक्रमा करते हैं। कोई 21 परिक्रमा करता है, कोई 11 करता है, कोई 101 करता है। और जो परिक्रमा करते हैं और जो मन के अंदर में अपने आप श्रद्धा लाते हैं कि ये मनोकामना पूरी होनी चाहिए, तो परिक्रमा करते तो मनोकामना उसकी पूरी होती है जो उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। 101 या 21 या 51 लोग बहुत करते हैं, लेकिन भरत जी ने तप किया वहाँ पर। तप स्थल है भरत जी का वहाँ पे ऋषिकेश में। ऋषिकेश जैसा गोस्वामी जी ने बताया, अब हम प्रस्थान कर रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। जैसा कि लक्ष्मण झूला भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पैदल ही उसके बगल में ही एक नया झूला बनाया जा रहा है जिसका नाम आई थिंक हनुमान झूला होने वाला है। सो एक बार वहां पहुंच के आपको अपडेट कराते हैं। और ये हमारे गोस्वामी जी हैं जो हमारे टूर गाइड हैं आज के लिए। आए तो बहुत बार हैं हम लोग, बट जो जानकारी इन्होंने दी है वो बहुत ही यूनिक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था पहले से कि किस नाम से क्यों पड़ा है ऋषिकेश, और किस तरह के झूले हैं, किस तरह के मंदिर हैं, और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। तो एक बार और अभी गोस्वामी जी अभी बताते हैं, तो वैसे वैसे फिर आपको आगे दिखाएंगे अपन कि अभी क्या है और कैसे है। सनी देवन भैरव देव जी का रमेश, यह मंदिर में आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और सुंदर लग रहा है ये। और अब गोस्वामी जी कुछ बताएंगे इसके बारे में। हाँ, और ये लक्ष्मी झूले का, लक्ष्मी झूला एरिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये। हाँ, वो दिख रहा है, बड़ा मंदिर यहाँ पे कोई नहीं है। ये 17 मंजिल है, 17 मंजिल। लेकिन सामने आपको पूरा ऋषिकेश का व्यू दिख रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है ये। सो ये अमेजिंग है, यहाँ से दिखने का बहुत सुंदर है, ये व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है ऊपर से, और पूरा आप पहाड़ और पूरा ये सारी चीज़ दिख रही है। यहाँ से नदी क्रॉस कर रही है, इट्स अमेजिंग। ये पूरा शहर इधर है, अच्छी जगह है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये राधा कृष्ण मंदिर है, और मंदिर इज एवरीवेयर। तो बेसिकली अब हम जा रहे हैं अंदर। ये हनुमान जी की मूर्ति है बहुत बड़ी, और यहाँ पे मंदिर है। ये देखो, चिरंतर बनता है जिस घर में वास्तु दोष लग जाता है, आप खूब कमाते हैं, पैसा रुकता नहीं है। यही तो हो रहा है हमारे साथ, पैसा रुक नहीं रहा है। चिरंतर को घर के अंदर में रखते हैं तो वास्तु दोष घर के अंदर में कभी नहीं लगता। और कहते हैं कि लक्ष्मी जी विराजमान रहती है चिरंतर को घर के अंदर में रखने से, लेकिन होना चाहिए स्पैटिक का। मार्केट में जगह जगह पे देखेंगे ग्लास रखा हुआ, नहीं तिरंत यहाँ पे देखेंगे स्पैटिक माला, देखेंगे कि पहचान क्या है, असली है कि नकली है। या आइए, हाँ हाँ आइए, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो भाई लोग, हम लोग पहुंच गए हैं लक्ष्मण जी के मंदिर, जो दुनिया में एक जगह ही है और इकलौता मंदिर है लक्ष्मण जी का। और सामने में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और एक बार आपको अंदर चल के दिखाते हैं।
तो ये हमारा एक और मंदिर है जो गोस्वामी जी दिखाए हैं। गोस्वामी जी, क्या है विशेषता इस मंदिर की? तो गोस्वामी जी बताएंगे अभी इस मंदिर की विशेषता, और एक बार देखते हैं। इसको बोलते हैं सच्चा अकलेश्वर महादेव। ये हिमालय का सबसे बड़ा शिवलिंग है। ऊंचाई है 11.5 फुट और 6 फीट चौड़ाई है। 1990 में इसका निर्माण हुआ था। एक ही स्टोन का है, 12.5 टन वजन है। ये 12.5 टन का सबसे बड़ा है। और एक बार हम जल चढ़ा के आते हैं, आपको दिखाते हैं। पहुंच गए हैं जहां से ये वो ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया। अभी तो ये बंद हो गया पूरा ब्रिज, आप देख पा रहे हो। यहां से स्टार्ट हो रहा है, आप टूट गया ना, बंद पार करके रामपुरे से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, यहाँ से ये कौन सा झूला? हनुमान झूला। हाँ, बजरंगी झूला। बजरंगी झूला यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ग्लास का बनेगा। ग्लास का बनेगा। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे नहीं। इसको बनाएंगे नहीं, दोबारा रिपेयर करके ठीक नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, हो गया इसका झूला। ओके, अब इससे जाना आना हुआ करेगा। सो गाइस, फाइनली हमारा हो गया ऋषिकेश। बहुत सारी चीज़ें घूमी हमने, और गंगा वंगा के लक्ष्मण झूला भी आपको दिखाया जो अभी बंद हो गया, और उसके बगल में जो बजरंगी झूला कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो घाट पे भी गए थे वहाँ पे नीचे। अब चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ यहाँ से, और आपको वहाँ पे जाके दिखाते हैं। तो जा रहे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, यहाँ से हो गया। जाते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको एक बार आगे दिखाते हैं कि अभी हम एक्चुअली कहाँ जा रहे हैं और क्या प्लान है आज का। चलते चलते थक गए थे तो यहाँ पे चाय थोड़ा पी रहे हैं, आराम से चाय पी के आगे निकलेंगे। आगे तो अभी यहाँ पे चाय पी के और आगे प्रस्थान करते हैं अपने नेक्स्ट गंतव्य की ओर, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे। चार चाय चाहिए, हल्का मीठा, हल्का तेरा ना? नहीं मैंने पी, मैं तीन 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 कप, तीन कप। पूरी तो गीली क्यों हो रही है यार? पानी में नहाई मैडम, कम से कम कुल्हड़ की तो पिलाओ। वही तो कुल्हड़ की 20 की है। मैडम कहाँ मना करे, 20 रुपए भी दे देंगे आपको यार, कैसी बात करो। 25 रुपए भी होगा तब भी दे देंगे, 10-15 हजार सैलरी हमारी दे देंगे। अरे 15 हजार नौकरी की सैलरी मिलती है, इतना दे सकते हैं यार।